सर्वसमृद्धिवान। सुखदेव मुनि कहते हैं हे राजन, सब समृद्ध हो गए। और समृद्धि पदार्थ से नहीं आती, चिंतन से आती है, विचार से आती है। समृद्धि भंडारण से नहीं आती। ये कैसे कहते हम कि इनके भंडार भरे हैं तो ये समृद्ध हैं? समृद्धि तो विचार की चीज है, वो तो संतुष्टि से आती है, वो तो तृप्ति से पैदा होती है। इसे बटने लगा, बांट रहे हैं नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, वो हाथी घोड़ा पाल की, आल के पाल की, नंदगर आनंद भयो, आओ मिलकर गाएं नाचे कूदे। ऐसे करके ब्रजवासी एक दूसरे पर गुलाल लगा रहे हैं और आनंद उल्लास विलास हास परिहास में पदार्थों को बांट रहे हैं, पर कौतुक देख रहे हैं। थक गए बांटते बांटते, फिर भी बचे हुए हैं, फिर भी बचे हुए हैं। ये उदारता का गुण है। कंस ने पूतना को भेजा कि जा और वो प्रकट हो गया है तो देख कर आ, उसकी हत्या कर देना। वो नंद भवन में ही है, हाँ उसकी हत्या कर देना। और ये विचार जब पहुंचा महादेव तक कि पूतना वहां जा रही है, उससे पहले ही महादेव ब्रज में आ गए। पूतना से पूर्व में ही, विष से पूर्व में वो स्वयं पहुंच गए कि विषधर भुजंगों के संग तो मैं रहता हूं। और हाँ एक बात तो है ही, जब देवताओं के जीवन में विष आता है तो मैं पहले पहुंच जाता हूं विष निवारण के लिए। ज्ञान में तो विष का निवारण है। तो भगवान महादेव मृत्युंजय वह केदारेश्वर अथवा रामेश्वर या के वो जटाधर ओंकारेश्वर महाकालेश्वर त्रम्बकेश्वर भीमा शंकर ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में या हर गांव गली मोहल्ले में, ये भारत भी भक्ति में बावरा है, हर कंकर शंकर है यहाँ का। तो भारत में तो भक्ति में ऐसा बावरापन है कि हर कंकर शंकर है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। कन्याओं को जिमाने के समय, कन्या पूजन के समय कैसी भी कन्याएं उसे भगवती मानकर उसके चरणों में शीश नवा रहे, छोटे बालक की पूजा कर रहे, बालक भगवान है ऐसा मानकर। हम ऐसे बावरे हैं भारत के लोग। अन्न प्रसाद है, अन्न हमारे लिए लक्ष्मी है, अन्न भगवान है। तो भगवान चल पड़े महादेव,